इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एम पिन फॉरगेट कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी एम पिन भूल गए हो तो आपको कैसे बनाना है, आपको इस वीडियो में फुल जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में फिर आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों आपको फॉरगेट एम पिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना है, फिर कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर दोस्तों, फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सेट एम पिन, सबसे पहले आपको एक न्यू एम पिन बना लेना है दोस्तों। 4 अंकों का आपको एक न्यू एम पिन बनाना है। री इंटर एम पिन, फिर आपको सेम एम पिन इंटर करना है, फिर आपको सेट एम पिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दोस्तों हमें इंटर ओटीपी में इंटर करना है। फिर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। दोस्तों अब हमें लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो एम पिन मैंने बनाया था उस एम पिन को मैंने इंटर किया, तुरंत यहाँ पर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो।